तो आज चलते हम लोग कॉमर्शियल का हमारा क्लास नंबर 3 में, तो ट्रक में भी आजकल लोग ECM और वायरिंग ठीक करने के लिए सीखने के लिए हमारे पास आ रहे, तो उससे मिलते हैं और बात करते हैं कहां तक उसका पहुंचा और कैसा चल रहा है। कैसा चल रहा है और अभी क्या कर रहे हो आप, बोलो क्या क्या लिखा, मुझे कोई दिखा सकता है? किसकी ट्रैकिंग किया? ECM के कपलर की, आउटपुट और इनपुट। वाओ, बहुत अच्छे। इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये BCM की ABCD वाइज है, 1 2 3 ऐसा क्रम नहीं है। तो मुझे दिखा सकते हो कि ये ए पिन लिखा आपने ब्लैक, बराबर, लाइट मोड स्विच, तो वो कहाँ पे है और इसमें से BCM का कपलर कौन सा है? BCM का कपलर सर ये है, ये ए ब्लैक। हाँ राइट, ब्लैक वायर लाइट मोड स्विच को आ जाए, ये स्विच पे डैशबोर्ड पे स्विच नहीं आते। तो डैशबोर्ड मोड स्विच की जहाँ स्विच आ गया वो BCM से कर दे, बराबर, तो कॉम्बिनेशन स्विच से यहाँ आ रहा है। आपने पहले ट्रक का काम किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था, फ्रेशर हो। आपने तो किया था ना? हाँ सर, मैंने ऑलरेडी काम किया था। आपने काम किया, उसके बाद अभी देखो आप वायरिंग सीखने के बाद कैसा लग रहा है आपको, काम कुछ इजी हो जाएगा कि फिर? मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए सीखना जरूरी था। हाँ सर, मुझे इधर आने के बाद पता चला कि इधर आना जरूरी था मेरा। हाँ राइट, ये सही बात है। आपका टाइम तो वेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है। राइट, और ये सीखना भी जरूरी था, जमाने के हिसाब से अभी गाड़ियाँ सब सेंसर हो गई है, सेंसर वाली सारी गाड़ियाँ हो गई, तो अपने को BCM आ गया है, तो इसके लिए मैं खुद इधर आया। BCM, ABS, TCU, बराबर, ECM, BCM, अभी जैसे के सारे सिस्टम आने लगी है तो कंपलसरी मुझे सीखना जरूरी लगा। वायरिंग ज़्यादा हो गया तो अभी सीखने का अपने को जरूरी। तो अभी मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए ना? कस्टमर को टेक्नोलॉजी चाहिए, और हमारे पास मतलब मैकेनिक लोगों को बस टेक्नोलॉजी कम है, अभी टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी साधन भी चाहिए। राइट, बहुत अच्छा। तो आपने ये कौन सा अभी BS4 का वायरिंग ट्रैकिंग कर लिया पूरा कंप्लीट? BS4 में एक्सपर्ट हो? तो अगर मैं पूछ लूँ कोई सवाल के भाई ये नंबर की पिन कहाँ जा रही था, 5 6 दे दोगे? ठीक है, बहुत अच्छा। और अभी BS6 का कर रहे हो आप, BCM का? BS6 का, BCM का। चलो बहुत अच्छे। नहीं वैसे यहाँ पर हर फैकल्टी अपने जस्ट टॉक के अंदर अच्छा है, आप कभी भी किसी को भी क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, कोई भी टाइम पे क्वेश्चन करो, चाहे अपना क्लास खत्म होने के बाद भी करोगे तो भी आंसर मिलेगा। तो अभी आपका BS6 का वायरिंग का चल रहा है, तो आप आने वाले स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? आने वाले स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि इधर आप आते हो तो बहुत सही आ रहे हो, ये सीखना भी जरूरत है, एक एक चीज़ अच्छी तरह से नॉलेज दे रहे हो। आपको अगर 50% आता है तो आपकी 50% आता है, आपको आधा आता है वायरिंग हर, तो आप यहाँ पे अपडेट हो सकते हो 30% 40% और 100% में, बराबर, राइट, यहाँ से अपडेट हो सकते हो। तो अपडेट होने से क्या बेनिफिट है आपको? अपडेट होने से एक मार्केट में नाम बनता है, मार्केट में नाम बनेगा और कम वक्त में ज़्यादा काम कर लोगे तो मतलब अपना इनकम भी बढ़ेगा। और आज मैं मानता हूँ कि ट्रक लाइन के अंदर पैसा है वो इस चीज़ का पैसा है कि कम समय में मैक्सिमम फॉल्ट को सही करो। जैसे कि कोई ट्रक बंद हो गया है तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो रुक नहीं सकता। और ये भी अभी परचेस करते तो बड़ा अमाउंट दे के, जो भी कस्टमर ट्रक परचेस करते हैं तो बड़ा एक अमाउंट उसका रुका हुआ रहता है, तो उसको अगर बंद हो गया तो रोड पे अमाउंट खड़ा करके उसका टाइम बचा के काम करना है। हाँ, तो जल्द से जल्द मतलब ट्रक जैसे आया वैसे फटाफट आपको प्रॉब्लम ढूंढना है, फटाफट डायग्नोसिस करना है, तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से करोगे तो आपको फटाफट डायग्नोसिस हो जाएगा और एकदम से आप फॉल्ट ढूंढ लोगे, मतलब फॉल्ट के पास एकदम से आप जा पाओगे, फटाफट मिल जाएगा, तो काम जल्दी होगा, जल्दी होगा तो आप ट्रक जल्दी बनाओगे, जल्दी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केट में नाम होगा और ऑटोमेटिकली आपका मुंह पब्लिसिटी भी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, आप करते रहिए कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, ये 3 नंबर की क्लासरूम की मुलाकात हम लोगों ने ले ली, आज अभी वो ये BS6 का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैंने देखा और आपको भी मिलाया उनसे कि कैसा उनका चल रहा है। तो BS4 का मैं हार्नेस पूरा उन लोगों ने BS4 पर जो काम किया वहाँ लेके चलता हूँ और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये क्लासरूम नंबर 6
ये मैकेनिक का क्लासरूम है, लेकिन यहाँ पे BS4 की हार्नेस देखो पूरी बिछा के रखी है। तो इस हार्नेस का टोटल डेटा उन लोगों ने निकाल दिया है और उनकी बुक में नोट डाउन भी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो BS4 सिग्मा इंजन वायरिंग, देखो BS4 सिग्मा SCR वायरिंग, मतलब डोजर के रिलेटेड है वायरिंग है। और यहाँ पे भी फ्यूज बॉक्स BS4 सिग्मा LPK 2518, ये उनके हार्नेस है। और यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड वायरिंग हार्नेस है सिग्मा की BS4 की। तो इस तरह से इन लोगों को सारी डिटेल लिखवाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट बताते हैं। और उसको भी सपोज मान लो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो जैसे कि ये पिन आउट कहाँ जाता है उसको क्वेश्चन कर लीजिए, इमीडिएटली वो आंसर दे देगा कि ये वायर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसने ट्रैकिंग किया हुआ है और नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है। अभी मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है ट्रक वायरिंग की और ट्रक ECM की। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हो ट्रक वायरिंग और ECM की ट्रेनिंग लेने के लिए तो तुरंत इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रक वायरिंग और ट्रक ECM में अभी बहुत लोग कम है। तो अभी ट्रक ECM के अंदर बहुत बड़ा पैसा है, क्योंकि ट्रक ऐसी चीज है, कार होता तो एक दिन लोग रोक देते थे या तो फिर ओला उबेर करके उसका काम चल जाता था, लेकिन ट्रक एक ऐसी चीज है क्योंकि ट्रक रुक नहीं सकता, तो बहुत स्पीड से ट्रक का काम करना आपको पड़ेगा। और ट्रक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है तो खड़ा रखना परवड़ता नहीं है ट्रक ओनरों को। तो ज़रूर मैकेनिक भाइयों को ट्रेनिंग लेना चाहिए और अपडेट होना पड़ेगा समय के साथ, क्योंकि काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा है अभी नए नए टेक्नोलॉजी के अंदर। अभी पुराने मैकेनिक लोगों को बहुत सारे इश्यू है, तो वो इश्यू का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको जस्ट ऑटो ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।